हे गाइस, वेलकम टू द ई लर्नम चैनल। मेरा नाम है वीरेन सिंह, आप सभी लोगों का स्वागत है। होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे, सुरक्षित होंगे एंड सेफ होंगे। चलिए बात करते हैं पीएलसी बीटा पाथवे के लिए। तो पीएलसी बीटा पाथवे जो होता है, जीपीसीआर समझना पड़ेगा इसके लिए आपको। यह है जीपीसीआर का रिसेप्टर। अभी एक एनिमेशन मैंने यूज़ किया था अनअकैडमी के चैनल पर, तो उसी तरीके से रिलेटेड है आपका। दिस इज़ योर फर्स्ट, लाइक ये है आपका पहला लूप जीपीसीआर का, ये है दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। ये छह डोमेंस, ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेंस पाए जाते हैं, सात ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेंस है। इसमें एक्स्ट्रा सेलुलर लूप तीन पाए जाते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर लूप वन, टू एंड थ्री। एक्स्ट्रा सेलुलर लूप जो थ्री होता है उसी से आपका लिगेंड बाइंड करता है। एंड इंट्रा सेलुलर लूप भी थ्री होते हैं, जो इंट्रा सेलुलर लूप थ्री होता है उससे आपका जी प्रोटीन बाइंड करता है। सो लिगेंड बाइंड टू द एक्स्ट्रा सेलुलर लूप थ्री एंड जी प्रोटीन बाइंड टू द इंट्रा सेलुलर लूप थ्री। एंड दिस रिसेप्टर इज सर्पेंटाइन। सर्पेंटाइन होता है मतलब सेवन ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन का बना हुआ है, सेवन ट्रांसमेम्ब्रेन पास है। अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर जो होते हैं पाए जाते हैं, और ये जो हाइड्रोफोबिक डोमेन पाया जाता है, इस हाइड्रोफोबिक डोमेन में आपके पास, हियर हाइड्रोफोबिक डोमेन में 20 अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं, 20 अमीनो एसिड प्रेजेंट इन द हाइड्रोफोबिक डोमेन। नाउ जीपीसीआर से इंटरेक्ट करता है जी प्रोटीन, दैट इज दिस इज जी प्रोटीन जो कि इंटरेक्ट करेगा। ये है अल्फा डोमेन, बीटा, गामा। अल्फा डोमेन, अल्फा यूनिट के पास दो डोमेन पाए जाते हैं, रेस डोमेन एंड एएच डोमेन। बीटा जो होता है वो मेम्ब्रेन से लिंक नहीं होता है, और गामा जो होता है वो मेम्ब्रेन से लिंक्ड होता है। सो अगर हम बात करते हैं, जी प्रोटीन हेट्रोट्राइमरिक नेचर का है, तीन सब यूनिट का बना होता है। जी अल्फा सब यूनिट 45 किलो डाल्टन का बना होता है, लार्जेस्ट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड है। इसके पास GTPH एक्टिविटी पाई जाती है जो रेस डोमेन पे होता है, और GDP जहां बाइंड करता है वो AH डोमेन होता है। जी बीटा 37 किलो डाल्टन का है, एंड जी गामा 9 किलो डाल्टन का है, स्मॉलेस्ट है और एसोसिएटेड है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। तीनों सब यूनिट्स में से अल्फा, बीटा, गामा में से बीटा जो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड नहीं होता, जबकि अल्फा और गामा जो होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड होते हैं। नाउ देयर इज अ केस, दिस इज योर सेवन ट्रांसमेम्ब्रेन पास जीपीसीआर, एक्स्ट्रा सेलुलर लूप वन, टू एंड थ्री, एंड दिस इज इंट्रा सेलुलर लूप वन, टू एंड थ्री। जैसे ही लिगेंड बाइंड करेगा आपके एक्स्ट्रा सेलुलर लूप थ्री से, जहां पे जी प्रोटीन जो होता है इंट्रा सेलुलर लूप थ्री एक्टिवेट हो जाता है GEF की तरह। ये जी अल्फा से, जिससे कि GDP बाइंडेड रहता है, GTP जाके वहां पे बाइंड करता है और GDP को रिप्लेस कर देता है। सो जिससे कि ये जी प्रोटीन एक्टिवेट हो जाता है, और ये जी प्रोटीन जो होता है वो जाके बाइंड करेगा आपके पीएलसी बीटा। तो दिस इज योर जी प्रोटीन, ये आपका जी प्रोटीन जीटीपी से बाउंडेड है, एक्टिव फॉर्म में है। जैसे एक्टिव फॉर्म में बाउंडेड है, ये क्या करेगा, जी स्टिमुलेटरी अल्फा यहां से जाएगा कहां पे, दैट इज पीएलसी बीटा के पास। पीएलसी बीटा एक तरीके का इफेक्टर मॉलिक्यूल है, जो क्या करेगा, यहां पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड एक कंपोनेंट होता है PIP2 फॉस्फोइनोसिटाइड डाइफॉस्फेट या बिसफॉस्फेट। इस पर्टिकुलर कंपोनेंट को ये तोड़ेगा दो पार्ट में, दैट टू पार्ट्स, वन इज IP3 एंड सेकेंड वन इज अ डैक। द IP3 और डैक दो कहते हैं सेकेंडरी मैसेंजर की तरह काम करते हैं। डैक जो होता है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड होता है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होते हुए ही वो पहुंचता है PKC के पास। एंड IP3 जो होता है वो पहुंचता है आपके SER रिसेप्टर पे। यहाँ पे आयन गेटेड चैनल पाया जाता है, जिसकी वजह से कैल्शियम आयन जो कि SER पे पाए जाते हैं, ये कैल्शियम आयन सिक्रीट होते हैं, और यहाँ SER से सिक्रीट होकर साइटोसोल से पहुंच जाते हैं PKC पे। एंड दिस PKC विल नाउ एक्टिव, एंड दिस विल जनरेट द रिस्पॉन्स, ये जो है रिस्पॉन्स को जनरेट कर देगा। दिस इज अ वेरी सिंपल PLC बीटा पाथवे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो जरूर बताइएगा, और कमेंट करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।